ओम नमः शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि दिन में 11 बजे तक बनी रहेगी, तत्पश्चात एकादशी लग जाएगा, मगर उदय तिथि दशमी की ही मानी जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह 9:30 बजे तक लगा रहेगा, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कायम हो जाएगा, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। चंद्रमा आज शाम 4 बजे तक धनु राशि में बने रहेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जन्मे जातक दृढ़ निश्चयी, उत्साही, शोधकर्ता, वैज्ञानिक कार्यों में रुचि लेने वाले, यात्रा प्रिय और गुप्त कार्यों में विशेष निपुण होते हैं। प्रतिशोध की भावना इनके अंदर भी बनी रहती है। स्वच्छंद विचारधारा वाले आकर्षक और तकनीकी कार्यों में निपुण होते हैं। ये अत्यधिक परिश्रमी, उन्नतिशील और विदेश यात्रा करने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, सूर्य गुरु और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज भी असंतुष्टि वाला दिन कहा जा सकता है। हर क्षेत्र से मानसिक दबाव, पारिवारिक सुख शांति में कमी और अपने कार्य क्षेत्र में उलझनों का दौर संभावित है। कार्य क्षेत्र से संबंधित भाग दौड़ और यात्राएं संभावित हैं। 4 बजे के बाद के समय में थोड़ा सुधार होगा और पारिवारिक तनाव और दिक्कतों में कमी आएगी। माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा और कार्य क्षेत्र में सफलता की उम्मीद दिखेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धन संबंधी मामलों में खर्च की स्थिति अधिक रहेगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। वृष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सुधार संभावित है। कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारी हासिल होगी। सकारात्मक ऊर्जा और सक्रियता बनी रहेगी। दोपहर के बाद का समय व्यावसायिक भाग दौड़ और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में बीतेगा। व्यावसायिक उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ेगा। कुछ कामों में अनावश्यक यात्राएं संभावित हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक होता रहेगा। पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। निजी संबंधों में तनाव की स्थिति संभावित है। मिथुन राशि के जातकों के लिए बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल लाभदायक रहेगा। पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। भविष्य की नई योजनाओं के लिए प्रेरणा मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अधिकारियों और अभिभावकों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर शाम के बाद कुछ मानसिक उलझनें आपकी सक्रियता और कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आर्थिक सहयोग बना रहेगा, नवीन रिश्ते कायम होंगे और गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए अपनी कार्य योजनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए सक्रियता बनाए रखें। आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर में बार बार उतार चढ़ाव संभावित है। निजी मामलों में तनावपूर्ण माहौल महसूस होगा। आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी, मगर दोपहर के बाद की स्थिति आपकी कार्य ऊर्जा को बढ़ाने वाला महसूस होगा। बिगड़ते हुए काम बन सकते हैं। अधिकारियों व गुरुजनों का सहयोग बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए यदि आप धैर्य और संयम बनाकर रखें तो विषम परिस्थितियों में भी आप अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने में सफल हो सकते हैं। विकास की योजनाओं को अपने बुद्धि कौशल से अपने अनुसार विकसित कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनाए रखने के लिए सादा भोजन करें और हल्का फुल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। भविष्य में अपनी योजनाओं को किसी से शेयर ना करें और वाद विवाद संबंधी मामलों में सफलता संभावित है। कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है।
नई नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत हो सकती हैं। मित्रों और सहयोगियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। निजी निवेश का योग बना हुआ है। वैवाहिक मामलों में सफलता संभावित है। शाम के बाद का समय आपकी कार्य ऊर्जा को और बढ़ाने का काम करेगा। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। वाद विवाद या मतभेद वाले मामलों में समझौता करने का समय उपयुक्त है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको ध्यान रखना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन लाभदायी रहेगा। व्यावसायिक योजनाओं के लिए नए अवसर सामने आएंगे। यदि कोई विवाद पहले से चला आ रहा है तो वह भी सुलझ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। परिजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। दोपहर के बाद का समय चिंता को बढ़ाने वाला हो सकता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी मामले प्राथमिकता में रहेंगे। आर्थिक लाभ आपके परिश्रम के अनुरूप मिलता जाएगा। आपकी योजनाओं में रुकावट की संभावना बनी रहेगी, इसलिए सावधानी बरकरार रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बात बात पर उत्तेजित होना उचित नहीं होगा। अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को सकारात्मक रूप से रचनात्मक कार्यों में लगाएं, लाभ मिलेगा। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी धैर्य के साथ आर्थिक उन्नति के लिए लगे रहें, सफल रहेंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। विभागीय मामलों में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि वाले जातकों को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। आपकी अभी की मेहनत और संघर्ष भविष्य के लिए एक सुखद मुकाम कायम करेगा और आपकी बौद्धिक क्षमता का परिचय व्यावसायिक सफलता के रूप में मिलेगा। आपके अधिकारियों का सहयोग आपकी प्रेरणा को और बढ़ाने वाला होगा। धैर्य के साथ अपने प्रयास जारी रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नए निवेश का योग बना हुआ है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और परिवारजनों के साथ किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। मकर राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना होगा। आपकी अतिरिक्त ऊर्जा उत्तेजना के रूप में व्यय हो सकती है। इसे रचनात्मक कार्यों में निवेश करना लाभदायक सिद्ध होगा। घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। दोपहर के बाद का समय मानसिक शांति और सुकून वाला होगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। छोटी यात्राओं के लिए योग बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता तो बनी रहेगी, मगर एक मानसिक दबाव दिन भर बना रहेगा। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। भाग्यवश कुछ अच्छे काम होंगे। विवादों को सुलझाने में आपके तर्क और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय सहायक होंगे। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। दोपहर के बाद का समय थोड़ा तनाव वाला बन सकता है। यात्रा या प्रवास संभावित है। अनावश्यक खर्च की स्थिति भी बनी रहेगी। मीन राशि वाले जातकों को आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक प्रयास में कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अधिक परिश्रम और सार्थक प्रयास के नतीजे फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन त्वरित और तात्कालिक लाभ के चक्कर में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। नई योजनाओं की रूपरेखा में मदद मिलेगी, मगर निर्णय सोच समझकर सावधानीपूर्ण लेना होगा। दूर बैठे मित्रों से भी लाभ संभावित है। दोपहर के बाद का समय आर्थिक लाभ को और बढ़ाने वाला होगा, मगर मानसिक चिंता का दौर खत्म नहीं होगा। पारिवारिक जनों में मानसिक तालमेल बिठाकर चलना उचित रहेगा। अपने मनोबल को कम ना होने दें और अपने स्वास्थ्य पर सावधानी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।